नबी 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 मुस्तफा 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد الله تعالى मुझे और आप सबको ये शर्फ हासिल है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आखिरी उम्मत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम आला मर्तबे वाली निस्बत हम सबको हासिल है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलवाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस की ताबेदारी इत्तेबा करने का मेरे अल्लाह ने हम सब को हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सब को फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा हबीब तुम सब के लिए उस्वा हसना है, नमूना है। मेरा हबीब तुम्हारी कामयाबी के लिए, उनके नक्शे कदम चलने के लिए तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के हबीब के नक्शे कदम पर चलोगे। अल्लाह ताला हम सब को कामयाबी अता फरमाएंगे। मेरे अल्लाह ने इसी उस्वा हसना के बारे में सूरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो तुम अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। वला तुबतिलू आमालकुम, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे तुम्हारे आमाल की हिफाजत होगी। जब हमारे आमाल की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाएगा तो हमारे आमाल के अंदर बरकत होगी, नेकियों में इजाफा होगा। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ताबेदारी इत्तिबा नहीं करेंगे तो मेरा अल्लाह फरमा रहा है, वला तुबतिलु आमालकुम, तुम अपने आमाल को ज़ाया ना कर बैठना। मेरे अल्लाह को अपने हबीब के साथ कितनी मोहब्बत है, मेरे अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कितना बुलंद फरमाया, कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। मेरा अल्लाह खुद फरमाता है, वरफ़ाना लक ज़िक्रक, और मेरा हबीब हमने आपके जिक्र को हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। अब जिसके जिक्र को, जिसकी शान को, जिसके मर्तबा को, जिसके मकाम को मेरा अल्लाह बुलंद कर दे, उसके मकाम और मर्तबे को पूरी कायनात भी मिलकर कम तो क्या, उसकी शान के अंदर एक जर्रे राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं ला सकती। क्यों? मेरा अल्लाह अपने हबीब के साथ कितनी मोहब्बत फरमाता है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है, फाउहा इला अब्दिही मा औहा, मेरा हबीब जो बोलता है वो हमारी तरफ से वही है। वमा यंतिकु अनिल हवा, ये फजूल बातें नहीं करता, ये हमारी तरफ से पैगंबर है, नबी है, आखिरी रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे अल्लाह ने उस्वा हसना फरमाया। मेरा अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम मर्तबे को बुलंद करता है और आज के चंद
दुश्मन आनासिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामोस रिसालत के साथ बुगज रखने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मौका ब मौका गुस्ताखी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को कम करने की कोशिश करते हैं। देखो जाब्ता ये है कि चांद का काम रोशनी देना है, सूरज का काम रोशनी देना है। अगर किसी शख्स को गुस्सा आए कि मुझे सूरज के साथ नफरत है, या किसी शख्स को चांद अच्छा न लगे, वो उसकी तरफ मुंह करके अगर थूकता है तो वो थूक उसके अपने चेहरे पर पड़ेगा। क्यों? मेरा अल्लाह जब सूरज को बुलंद कर देता है, जब मेरा अल्लाह सूरज की रोशनी को दिन के लिए लेकर आता है, तो अब इस दुनिया के अंदर अल्लाह का बनाया हुआ इंसान अल्लाह के बनाए हुए निजाम के मुकाबले में कैसे आ सकता है? जब वो शख्स इस सूरज का इनकार करेगा तो वो अल्लाह की जात का इनकार करके अपने आप को अपने मनसब मकाम इंसानियत से गिरा रहा है। अल्लाह की शान अल्लाह के बनाए हुए निजाम के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वो सूरज के ऊपर गुस्सा निकालते हुए सूरज की तरफ रुख करके उस पर थूकता है तो वो थूक उसके अपने चेहरे पर आएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स चांद की तरफ मुंह करके चांद की रोशनी को बुरा भला कह कर उसकी तरफ थूकता है तो उस थूक का नुकसान चांद को नहीं होने वाला, उस थूक का नुकसान जो है इस थूकने वाले को होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मेरे अल्लाह ने कितनी बुलंद कर दी। मेरे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस के बारे में सहाबाए कराम को भी हुक्म दिया। मेरा अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस के बारे में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा के बारे में मेरा अल्लाह अपने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खुद चुन चुन कर सहाबा दिए, मेरे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जिस जमात को खुद चुना, मेरा अल्लाह उस जमात की भी खुद तरबियत फरमाता है। सहाबा की तरबियत मेरा अल्लाह खुद फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात को मेरे अल्लाह ने अपने हबीब अपने मोहसिन पैगंबर के सामने आदाबे गुफ्तगु बयान फरमाए। मेरे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमु बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, कि तुम अल्लाह के ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के रसूल के सामने अल्लाह के हबीब के सामने जिसके साथ अल्लाह को मोहब्बत है उसके सामने तुम अपनी बात बुलंद न करो, उसकी बात के ऊपर अपनी बात पेश न करो, उसकी बात से तुम आगे न बढ़ो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन आलीम, क्योंकि अल्लाह ताला हर बात को सुनने वाला इलम रखने वाला जानने वाला है। मेरे अल्लाह ने इसी बात की आगे वजाहत भी फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे हबीब पर ईमान लाने वालों, ए मुझ अल्लाह पर ईमान लाने वालों, मेरे हबीब की जात कितनी बुलंद जात है, मेरे हबीब का मकाम कितना आला मकाम है, मेरे हबीब की शान के आदाब कितने आला आदाब हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम, तुम मेरे हबीब के सामने अपनी आवाज को बुलंद भी न करो। ये मेरा अल्लाह कुरान करीम के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मकाम मर्तबे के आदाब बयान फरमा रहे। ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, के तुम मेरे नबी की आवाज के ऊपर अपनी आवाज को बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिलकौल, और ना तुम इतनी बुलंद आवाज के साथ बात करो। कजहरिबा विकुम लिबाज, के तुम आपस के अंदर बाज एक दूसरे को
बात सुनाने के लिए अगर बुलंद आवाज से बात करते हो तो यहां भी तुम्हें मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का, महफिल का, आदाब तालीम का ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? अगर सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बुलंद आवाज से बात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से बाहर बुलंद आवाज से बात करते हैं, अगर मजलिस में बुलंद आवाज से बात करें, अल्लाह के आदाब को मानते हैं, सहाबा की तरबियत मेरा अल्लाह खुद फरमा रहा है कि अपने हबीब की मजलिस में तुम अपनी आवाज को बुलंद न करो, और जब मेरा हबीब तुम्हारी मजलिस में ना हो तुम फिर भी बाज एक दूसरे के साथ अपनी आवाज को बुलंद न करो। क्यों? अब तो मेरा हबीब तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ये अदब क्यों बताया कि तुम्हारी तरबियत करने वाला मेरा हबीब है। और इस दुनिया का जाब्ता उसूल कानून ये है कि अगर शागिर्द गलती करता है, शागिर्द से अगर कोई भूल हो जाए तो सुनने वाला देखने वाला फौरन कहता है तेरा उस्ताद कौन है। अगर बेटा कोई गलती करता है, बेटे से कोई भूल हो जाए, देखने वाला फौरन पूछता है तेरा बाप कौन है, तेरा तरबियत करने वाला कौन है। मेरा अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात की खुद तरबियत फरमाता है। इस तरबियत के अंदर मेरे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के आदाब भी बताए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी के आदाब भी बताए कि अगर तुम मेरे हबीब की मजलिस से बाहर कोई गुफ्तगू करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करोगे, देखने वाला सुनने वाला फौरन ये पूछेगा इनकी तरबियत करने वाला कौन है। मेरे अल्लाह को ये भी गवारा नहीं है, मेरा अल्लाह अपने हबीब के साथ कितनी मोहब्बत फरमाता है। एक मौका आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार जो है वो चरवाहा कहकर पुकारते हैं, और उसके साथ चंद लोग जो अभी पढ़े लिखे नहीं, उनको इलम न था कि राइना का मतलब क्या बनता है। मेरे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुहज्जब अल्फाज का इंतखाब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना, तुम मेरे हबीब को राइना कहकर भी न पुकारो। मेरे अल्लाह को अपने हबीब के साथ इतनी मोहब्बत है, और अब जरा देखें कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बुलंद बाला शान और मकाम मरतबे वाली जात, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाले मसाइब जरा पसे मंजर देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस पर कितने मसाइब, परेशानियां, तकलीफें आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौका पर नमाज पढ़ रहे हैं कि अबू जाल बदबख्त जो है वो आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत में, आपके जिस्म अतहर पर कौन सा जिस्म, जिसकी मेरा अल्लाह खुद कस्मे उठाता है, अलम नशरह लका सदरक, जिस जिस्म के साथ लगने वाला सीना जिसका मेरा अल्लाह खुद जिक्र फरमाता है, जिस जिस्म के साथ लगने वाली आंखें अल्लाह ताला माजावल बसर के अल्फाज के साथ खुद उसका जिक्र फरमाता है, मेरा अल्लाह खुद अपने हबीब के उस चेहरे मुबारक की कसमें उठाता है, वद्दुहा वल्लैल इदा सजा, मेरे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों की कसमें उठाई, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का हिस्सा है, और मेरा अल्लाह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहाद में, आपकी जमात सहाबाए किराम के जिहाद में इस्तेमाल होने वाले घोड़े, उन घोड़ों के पांव, उन पांव की दौड़ से उठने वाले गुबार की भी मेरा अल्लाह कसमें उठाता है, वल आदियात ज़बहा फल मूरियात क़दहा फल मुग़ीरात सुबहा, मेरा अल्लाह अपने हबीब के साथ कितनी मोहब्बत फरमाता है। मेरे अल्लाह ने उसके बावजूद हमें फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ओ ईमान वालों मैं इस चीज का हक रखता हूँ कि मैं अल्लाह के साथ मोहब्बत की जाए। मेरे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस को
हमारे लिए उस्वा हसना नमूना मिसाल के तौर पर पेश फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बुलंद बाला शान मर्तबे वाली जात और आप पर आने वाले मसाइल जरा देखिए। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे हैं, बदबख्त ने ओजरी डाल दी, आपकी साहबजादी ने आकर आपका जिस्मे अतहर साफ किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह एक मौका पर नमाज पढ़ रहे हैं कि एक बदबख्त उकबा बिन मुईन नामी शख्स जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की हालत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं आपके सर मुबारक पर पांव रख देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक सहाबी जिनका नाम सय्यदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बदबख्त की इस अजियतनाक हालत में देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए दौड़ते हुए उस बदबख्त को धक्का दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सजदे से सर उठाकर फरमाते हैं काद अन यमूत, करीब था कि मेरी मौत वाकई हो जाती। आप खुद अंदाजा लगाएं एक बंद कमरे हालत के अंदर हम अपने ही घर के अंदर होते हैं, हमारा मुंह हमारी रजाई से चंद सेकंड बाहर न निकले और हम निकालने की कोशिश करें, क्या कैफियत हो जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतनी सख्त तकलीफ आई कि सजदे की हालत में दुश्मन ने आपके सर मुबारक पर पांव रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस पर कितने मसायब आए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे खंदक का मौका है, खंदक खोद दी जाती है, अब कई माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का जो है सारा सिलसिला जारी रखा। इसी दौरान सहाबाए किराम भी भूख और प्यास की हालत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भूख और प्यास की हालत में है, ये सहाबाए किराम कितनी भूख और प्यास की हालत में है। नबी का ईमान तो आला मर्तबे वाला होता है, अब नबी का जो मकाम आला मर्तबे वाला है तो नबी के अंदर सब्र भी आला मर्तबे वाला होगा। अगर नबी का मकाम आला है, नबी की जात आला है, तो नबी के अंदर कुव्वत बर्दाश्त भी ज्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी भूख को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब भूख के बर्दाश्त नहीं होती काम बस से बाहर हो जाता है। सहाबी का ईमान कहाँ, नबी का ईमान कहाँ। हम ये नहीं कहते कि सहाबी रसूल ने सवाल क्यों किया, सहाबी रसूल के ईमान नबी जैसा नहीं था, नबी के अंदर जो कुव्वत बर्दाश्त थी वो सहाबी के अंदर नहीं थी। ये सहाबी रसूल जाते हैं या रसूल अल्लाह भूख की वजह से सीधा नहीं हुआ जा रहा, पेट पर पत्थर बांधा हुआ है, ऐ मेरे प्यारे हबीब मुझे भूख की शिद्दत सता रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देख मेरा सहाबी अगर तूने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है मेरे पेट पर दो पत्थर बांधे हुए हैं, मैं भी इस वक्त भूख की हालत में हूँ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस है जिन पर इतने मसायब आए, ये तो अल्लाह के हबीब है, इनको तो फूलों की सेज मिलनी चाहिए थी। मेरे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां भेजा वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन मौजूद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में अल्लाह ताला आपको भेज सकते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सादिक और अमीन पाकीज़ा शख्सियत थी, आपकी जात पर हर शख्स को एतमाद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया, अल्लाह की आवाज उठाई, तो ये सारे के सारे आपके दुश्मन बन गए। आओ अब हम जरा सब अपने अपने गिरेबान में लगे हुए शीशे में अपना चेहरा देखें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में ईमान है उसको मेरे साथ अपनी औलाद वालदैन बीवी बच्चों घर बार हर दोस्त मुकम्मल दुनिया से ज्यादा मोहब्बत होगी। अब बताओ हम मुसलमान कहलवाने के हकदार हैं, हमारे तो ऐसे आमाल
नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शिफात का सहारा है, जिस शिफात के जरिए हम जन्नत में जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सहारा है। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के लिए तैयारी की है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह तैयारी तो मालूम नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, हमें आपके साथ मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देख मेरा सहाबी, अल मरउ मा मन अहब्ब इलैही, जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। अपनी औलाद और वालदैन से ज्यादा मोहब्बत, अपनी औलाद और वालदैन से ज्यादा मोहब्बत का तकाजा मेरे नबी ने हमारे सामने रखा। अब हम एक बात जरा अपने अपने गिरेबान की तरफ नजरें झुकाकर पूछते हैं कि क्या हमें वाकयतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कुल कायनात की हर चीज से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है? आज तक मैंने इश्तिहार न लगाया कि मैं आज के औलाद हूं, आज तक हम में से किसी ने यह नारा न लगाया कि मैं आज के औलाद हूं, आज तक किसी को यह बताने की नौबत नहीं आई कि मैं अपनी औलाद के साथ इश्क मोहब्बत रखने वाला हूं। उसके बावजूद हर फर्द एक दूसरे के बारे में यह यकीन रखता है कि इसको अपनी औलाद के साथ मोहब्बत है, इसको अपनी औलाद के साथ अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत है, इनको अपनी औलाद के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत है। ये क्यों मालूम है? बगैर बताए, बगैर आवाज लगाए, बगैर इश्तिहार लगाए, सबको मालूम है कि एक दूसरे, हर एक फर्द अपनी औलाद का आशिक है, मोहब्बत करने वाला है। इसकी वजह, वो दलील जो दलील हम मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं रखते, वो मोहब्बत हमारे दिल में औलाद के बारे में तो है, लेकिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना है। क्यों? मेरा अमल बताता है, जब सुबह सवेरे उठकर मैं मजदूरी के लिए जाता हूँ, देखने वाला पड़ोसी, महल्लेदार, दोस्त देखकर ये यकीन रखता है ये सारा दिन मेहनत मुशक्कत करता है, अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है, अपनी औलाद के लिए रोजी कमाता है। मेरा ये अमल बताता है कि मैं अपनी औलाद का क्या हूं? आशिक हूं, अपनी औलाद के साथ मोहब्बत रखने वाला हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मोहब्बत की बारी आती है, उस वक्त हमारा अमल बिल्कुल मनफी साबित होता है, उस वक्त हमारी जुबान खामोश हो जाती है, हम अपने ही आप के साथ बात करने के काबिल नहीं रहते। मेरा अमल क्यों नहीं बताता कि मैं अपने हबीब का आशिक हूं? मेरा अमल क्यों नहीं बताता कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है? मेरा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, ये क्यों नहीं बताता कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूं? इस बात की फिक्र करने की जरूरत है। हम सब अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, दिल में मोहब्बत अपने हबीब की रखते हैं, नारा भी अपने हबीब की मोहब्बत का लगाते हैं, और मेरा तर्ज जो है वो यूरोप वाला है, मेरा तर्ज अंग्रेज वाला है, तो फिर मैं अपने हबीब का कैसा आशिक हूँ? एक मिसाल देता हूँ, हम अपने आप को कैसी मोहब्बत देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कैसा दावा करते हैं। एक फर्द पार्टी नून लीग की रखता है, परचम पीपल पार्टी का लगा देता है, इजहार पीपल पार्टी का कर रहा है, और मोहब्बत नून लीग की रखता है, हम उसको क्या कहेंगे? ये लोटा है, कहेंगे कि नहीं? ये मुनाफिक है, ये धोखेबाज है, ये चालबाज है। तो यही तो धोखा हमने अपने हबीब को दिया हुआ है। मैं और हम सब ये कहते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत है, और जब बारी आती है ना कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सबसे खूबसूरत था, उस चेहरे पर दाढ़ी थी, हम कहते हैं ये काम ओख है, इतने मौलवी और सानू फसा लेने, नमाज का वक्त हो रहा है, नहीं 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 नहीं, बच्चों को खिलाए कहां से? अगर मेरे हबीब ने मैदान-ए-महशर में सवाल कर लिया
क्या तेरी औलाद मेरी औलाद हसन और हुसैन से ज्यादा आला थी? हमारे पास जवाब है? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर हमारे अधीन ने यह सवाल कर लिया, उन्होंने नमाज न छोड़ी, तन मन धन फिदा कर दिया, और हम चंद रुपए चंद मिनट चंद सेकंड अपने हबीब के हुक्म की खातिर नहीं छोड़ते, नहीं बर्दाश्त करते, इस बात का हम सब ने मुहासबा करना है। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इसके अंदर सब अपने अपने दिल के अंदर ये आहद करें, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए आप लोगों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए एक सिलसिला शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक तक जितनी भी आपकी हयात तैयबा है, हमने उस सीरत कोर्स के अंदर बयान करनी है। और बिहम्दिल्लाह ताला 3 साल से हमारा ये सिलसिला चल रहा है, हर रबीउल अव्वल के अंदर आप लोगों को और पूरे शहर को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सीरत पढ़ने की सीखने की दावत देते हैं। आप खुद भी हमारी जामे मस्जिद देनी वाली के अंदर कल पहला सबक है, खुद भी आएं और अपने दोस्त अहबाब को भी दावत दें। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मोहब्बत के बगैर जरिए निजात नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो बातें कही सुनी इन पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआ।